हेलो, अरे कौन बोल रहे है भाई? उमेश बोल रहा हूँ। मेरा नंबर दिया है क्या तूने इसको नावेद को? कौन नवीद? अरे वो जो मुर्गा उर्गा बना हुआ है, नहीं भाई, मैंने नहीं दिया तने नहीं दिया तो फिर फोन क्यों करा गया मेरे दोरा है? भाई साहब। मैंने सच्ची नहीं दिया किसी को नंबर। बात बता, तने नंबर नहीं दिया मेरे दोरा, फोन आ गया मैं आपसे मेरी कह रहा हूँ बात कि सुन, मैं, मैं उड़ा आ गया नहीं तेरे इसे बजाऊंगा, तने नंबर क्यों कर दे दिया भाई? मन्ना जाना है तू पर भाई साहब ये बताइए हुआ क्या? भाई, तने नंबर दे दिया मेरे दोरा, फोन आया है उसने मेरे तो पता नहीं के बोलने लग गया, मेरा मुर्गा बना दिया। और मैं खाने में बैठा था, पहले ही छोकले चल रहे हैं, मना पता है तो कड़ा सी रहा है। और भाई साहब मैं आपको एक बात आता हूँ, ये बनाने का काम है इनका और मैंने कोई नंबर नहीं दिया। मैं खुद ही इस पे केस कर दूंगा। मैं खुद ही बड़ा परेशान हूँ इससे। सारा दिन रेडियो ऑन करो, यही बक 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 कर रहा होता है। अभी एक मैं ईमेल लिखता हूँ, उसमें लिखूंगा कि इसने नंबर कैसे दिया। मैंने तो नंबर दिया नहीं, इसके पास कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई? 2 मिनट लगने, पुलिस सीधा इसके ऑफिस जाके ना इसको वहां से निकालेगी। जब देखो पूरा दिन बकवास करता रहता, बह 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 करता रहता, पता नहीं किसी के बाप से परमिशन लेकर फोन करता है, क्या करता है। आप एक काम करो, मेरे पास आ जाओ, दोनों मिलके इसके साथ इसके पास चलते हैं और इसको देखते हैं। ये इसको तो आ देखने गए, का आप यही भी आ तरीका जाओ ना, फिर हम साथ में बैठ के बात कर लेंगे थोड़ी सी। है। आप भी आ जाओ, साथ में बैठ के बात करते हैं और इससे मिलते हैं और इसको देखते हैं हाँ जरा। वो नहीं, ये तो आ गए हैं, आप भी आ जाओ, साथ में बैठ के बात करते हैं। कौन बोल रहे हैं? नवेद बोल रहा हूँ, ये इन्होंने बुलाया मुझे, सभी बिग फैन ऑफ यू सर, तो आप आ जाइए ना, साथ में बैठ के बात बिग करते हैं। फैन ऑफ यू सर। मैं कह रहा था सर, अगर हम एक मीटिंग रख लें नवेद मिलने। जी, हाँ जी। अभी जो आपने इंडियन आर्मी पे करा था ना, जो इंडियन आर्मी पे वो करा था, मतलब तो कमाल है। सर थैंक यू सो मच, मैं ये कह रहा था मुझे कि ये एक मैं एक और किस्सा बताता हूँ। 2 साल पहले एक लड़की को, जब लड़के परेशान करते थे ना, जो आपने वहां बचाया ना उस लड़की को, जो हेल्प करी, जो सपोर्ट किया, बिग फैन ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच, मैं ये कह रहा था ये सर भी फिर चले जाएंगे फेसबुक फिर। पे मैं आपको फॉलो करता हूँ, लेकिन आपसे एक शिकायत है छोटी सी। बताइए। तो मुर्गा रोज डाला करो, मैं वेट करता हूँ कि आपका मुर्गा आया और मैं सुनूं। थैंक यू सो मच, मैंने मैंने यूट्यूब पे भी देखा आपका वीडियो, वो जो पीछे आपने गाड़ी में लाश रख दी थी, कमाल कमाल। वो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा था ये भी यहाँ से चले जाएंगे हम तीनों अगर बैठ के। एक और किस्सा याद है, मेरे मेरी वाइफ ने मुझे व्हाट्सएप करा था, आप स्कूल में एडमिशन के लिए जा रहे थे, बच्चे खत्म ही नहीं हो रहे थे। मतलब मेरे को तो इतना इतना पसंद आया वो जबरदस्त वीडियो। थैंक यू, लेकिन मैं कह रहा था आर यहाँ से यू चले जाए। ऑन ट्विटर नावेद जी? यस आई एम ऑन ट्विटर, अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। मैं कह रहा हूँ इनको बहुत लेट हो रहा है। व्हाट अबाउट इंस्टाग्राम? आई एम ऑन इंस्टाग्राम सर, मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत देर से किस इंतजार किस करे। आईडी से है? ठीक इंस्टा पे आरजे नवेद, है, मैं आपको फॉलो करूंगा आज से। मैं ये कह रहा हूँ सर इनको लेट हो जाएगा नावेद जी बहुत। कीप अप द गुड वर्क। मैं ये कह रहा था ये यहाँ पे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अगर आप हेलो हेलो। हर्षिता नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। ओ हाय हाँ नवीद, कैसी हैं आप? आपका मेल मिला था हाय। मुझे, मैं बहुत दिन से सोच रहा था आपसे बात करने के लिए। ओ यार सर, मैंने किया था, आई एम अ बिग बिग फैन ऑफ योर सर। थैंक यू सो मच, ये खुशकिस्मती है मेरी कि आप मुझे सुनती हैं, और इतना तजर्बा नहीं है मुझे रेडियो का ना ही बात करने का। इस नाचीज़ को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि मतलब आप जैसे लोग भी सुनते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आज आपसे गुफ्तगू कर लूँ। खुल के बोलिए ना, मतलब अरे नहीं ठीक है, ऐसी दिल से बहुत बहुत बेचैनी हो रही थी कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मेल पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़ी खुशी मिली। जर्रा नवाजी आपकी कि आप इस तरह मोहब्बत करती हैं मुर्गा से और सारी चीज़ें सुनती हैं। यार, लेकिन बट व्हाई आर यू बीइंग सो फॉर्मल नवेद? आई मीन थोड़ा खुल के बोलो यार। अच्छा तो सुन ले, बट्टे पे चला है घूमने, जाड़ पड़ रहा हो बाहर, हाथ तापेगी उपले पे, नहीं तो आइसक्रीम खावे तो बता, और ज्यादा ठंड लगे तो गाड़ी निकाल लूं स्कॉर्पियो। चल तू सारी छोड़, घर पे हरे धनिया की चटनी बना ले, वहां बैठ के खा साथ में खावे। और सुन तेरे गेल कोई और सहेली हो वाकुब ले आइयो, अच्छा 200 या 3 सुन नहीं ना सुन नहीं। ओ ना, मेरा कल एग्जाम है तो मुझे पढ़ना है, उसके लिए हम फिर कभी मिलेंगे। ठीक है, हेलो नमस्कार सर, मैं बैंक से बोल रही हूँ, लोन के बारे में बात करनी थी सर। क्या ये सही समय आपसे बात करने का? ये तो नहीं है सही समय, सर मैं आपसे कब बात कर सकती हूँ? रात को कर लो, 3:30-4 बजे करीब। सर कल इसी टाइम? कल तो मैं बिजनौर में हूँ सर, अभी बात कर सकते हैं? हाँ अभी बिजी हूँ। क्या कर रहे हैं सर? लेटरिंग कर रहा हूँ अभी, तो होल्ड कर लो, चाहो तो होल्ड कर लो। अच्छा हाँ जी बोलो। सर लोन की रिगार्डिंग बात करनी थी आपसे। सर अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है आप हमें बताइए, हमारा बैंक कम ब्याज पर आपको लोन देगा। क्या करूँगा लेके? सर हमारा बैंक कम ब्याज पर लोन दे रहा है। मुझे क्यों दे रहा है, किसी और को नहीं दे रहे हैं? सबको दे रहा है। सबको दे दिया? हमारे पड़ोस में जो है सुनील जी, इनको दे दिया तुमने? नहीं अभी
नहीं सर, सुनील जी को अभी तो नहीं दिया है, दे देंगे। तो जब सुनील जी को दो, मेरा भी उन्हें दे दीजिए, मैं शाम में ले लूंगा उनसे, क्योंकि मेरा उनका चला है कुछ आपस में मामला, तुम सुनील जी को दे दीजिए, या फिर काम करो सुनील जी का मुझे दे दो, मुझे शाम में तो मिले ही है, मैं दे दूंगा। सर रिक्वेस्ट डाल दूं? हाँ रिक्वेस्ट डाल दो। लोन अमाउंट क्या रहेगा? 17,500 करोड़ रुपए। हाँ जी सर। 17,500 करोड़ रुपए कब मिल जाएगा ये? सर आपको इसके उसमें पिन्नी में दीजिए, पिन्नी में भेज दूं लौंडे को, उसके हाथ में दे दीजिए। सर आपको बैंक आना पड़ेगा। तुम निकाल के रखो, बैंक आ रहा हूँ मैं। आपके घर के पास जो भी नजदीकी बैंक है जाइएगा। ये छब्बू की दुकान के पास जो है? हाँ वहीं पे। वहाँ तो हुक्का पी रहे हैं सारे चौपाल पे। अरे मैं समझ गया, ये पिलाऊ पे से आगे जाके, कोलू पे से आगे जाके जो ऊपर चढ़ा है रास्ता, उसके नीचे को जाके जो वो बनी हुई बिल्डिंग पूरी। हाँ सर। वहाँ तो चौधरी जी का ट्यूबवेल है, तुम खुद कहाँ हो अभी? सर आपका नाम डाल दूं? नवेद डाल दो, शायद हो सके उससे मिल जा लोन, उससे ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है मैं आ रहा हूँ। क्या नाम बताया आपने? सुनीता डाल दो, मूंगफली का जग ला रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। ठीक है। हेलो मिस्टर जीत। हाँ जी जीत, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, HR हेड प्राइवेट लिमिटेड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं? आई एम गुड सर। यस सर। अच्छा जीत, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, आपका मैंने पता किया, आप अभी डेटा ऑपरेटर हैं वहाँ जिस कंपनी में हैं आप, एंड आपने अप्लाई भी किया था हमारे यहाँ, राइट? तो वी वॉन्टेड टू हायर यू, हम आपको हायर करना चाहते हैं, यहाँ पे जॉब देना चाहते हैं, बट जीत मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने पता किया था आपकी इस कंपनी में जिसमें आप हैं, कि आप एज ए एम्प्लॉय कैसे हैं। जी सर। तो आपके एम्प्लॉयर ने हमें बताया कि आपका लॉगिन टाइम जो है वो 6 बजे तक है, और आप अक्सर 5 बजे ऑफिस से निकल जाते हैं। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं सर। डोंट लाई जीत, मैंने पता किया है, आप अक्सर 5 बजे चले जाते हैं बिना अपने बॉस को बताए। नॉट ऑलवेज, मतलब समटाइम्स आप समझ सकते हैं, इमरजेंसी कई बार हो जाती है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता सर। मतलब पिछले महीने में आप 11 दफा 5 बजे आप ऑफिस से चले गए, जबकि 6:30 तक आपको रहना होता है वहाँ पे। सर देखिए, मैं अपनी पर्सनल बात एक बताना चाहता हूँ आपको। कई बार जैसे होता है सर कि आई एम अंडर पेड राइट नाउ, तो उतने में गुजारा हो नहीं पाता सर। तो मैं अपनी बात बताता हूँ सर, आई ओन अ कैब, और मैं मतलब शाम के बाद कैब ड्राइविंग भी करता हूँ सर। और सर आप मतलब आप खुद देख लो, दिल्ली जैसे शहर में गुजारा करना कितना मुश्किल होता है, तो दैट्स द रीजन कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है सर, तो मुझे मतलब ये करना पड़ता है सर, आई ड्राइव अ कैब आफ्टर द ऑफिस आवर्स। हेलो आप हैं सर? हेलो क्या हो गया सर? रुला दिया तूने मेरे भाई। मतलब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मीन्स जॉब के बाद कैब चलाता हूँ, तो समझ सकता हूँ मेरे भाई, मैं समझ सकता हूँ। किसी दिन मेरे गोलगप्पे के ठेले पे आके देख, साथ में बैठ के बात करेंगे, कहाँ गुजारा होता है तनख्वाहों से। 4:30 निकल जाता हूँ, ठेला उठाया, गोलगप्पे सजाए, पानी लगाया, मीठी ठोट मारी, उसके बाद लस्सी चढ़ाई, कहाँ गुजारा हो रहा है आजकल इन तनख्वाहों से मेरे भाई। जीत मेरी बात सुनो, रेडियो में चीते नवेद बोल रहा हूँ, लेकिन I'm so proud of you। मुझे पता था कि तुम जॉब के दौरान अपना काम भी करते हो, अपनी कैब चलाते हो, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे गोलगप्पे के ठेले पे आओ, अपनी कैब लेके साथ में बैठे। बिल्कुल। किसी भी काम में शर्म नहीं आनी चाहिए, इससे बेहतर है कि आदमी खाली रहे और गलत दिमाग में चीजें चले। कोई भी काम करे लेकिन काम करे। आई एम सो हैप्पी कि तुम दो दो जॉब्स करते हो, और जहां अप्लाई कर रखा है मैं दुआ करूंगा कि वहां तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाए, बल्कि मैं कह के देखता हूं उनसे कि तुम्हारा सिलेक्शन कर लें। थैंक यू सो मच जी, टेक केयर। हेलो हेलो ओ भाई। हां भाई, रोई है घर में? रोई क्या? रोई है घर में? रोई रोई क्या हो गया? रोई है घर में, ये बताना, रोई है? अरे बोल कौन सा है? अरे यार ये मैं तेरे को बता दूंगा ना, मैं कौन से तेरे से छुपा रहा हूँ, सारी बात बता दूंगा, तू मेरी इतनी हेल्प कर दे। रोई है घर में? हाँ होगी। तो कबर्ड में रख दे प्लीज, उसको संभाल के कबर्ड में रख दे प्लीज। है?
कबर्ड में रख दे उसको संभाल के। अबे बॉल कौन रहा है तू? यार तेरे को मेरे पे यकीन नहीं है, मैं तेरे को बता दूंगा ना, तू कबर्ड में रख देना रोई। पागल वाला यार, गाली मत दे, गाली मत दे, मैं गाली भी खा लूंगा, तू रोई तेरे ही फायदे की बात कर रहा हूँ। तू कबर्ड में रख देना उसको, रख देगा कबर्ड में प्लीज। पागल है क्या? सुन, प्लीज कबर्ड में रख देगा, तेरे को मेरी कसम, कबर्ड में रख देगा प्लीज। रोई को कबर्ड में रख दे, संभाल के रख दे। हाँ ठीक, रख दूंगा रख दूंगा, टेंशन मत। हेलो रोई है भाई, घर में रोई? अबे अभी तो बताया था, कौन बोल रहा है तू? कबड़ में रख दे रोई। अरे रख दी कबड़ में, तू बोल कौन रहा है? कबड़ में रख दी तूने? अरे क्या तू? नहीं ये बताया तूने, खुद कहा है, तेरे को मांगी कसम है, कबड़ में रख दी रोई प्लीज, प्लीज बताना। हाँ रख दी, रख दी। ठीक है भाई, ठीक है। हेलो भाई रोई है? अरे कोई रोई पोई ना है यहाँ। रोई नहीं है? अरे कोई रोई वोई नहीं है यहाँ पे। रोई नहीं है? नहीं है। तो कबड़ से निकालना, तू भूल गया शायद, अभी तो रखी तूने कबड़ में, कबड़ से निकाल ले। कौन तू बोल कौन रहा है? तुझे बताऊ काटू थी तू, कौन बोल रहा है तू? हेलो हाय प्रियाली। या हूज दिस? प्रियाली विक्रम महेश अंकल ने आपको महेश अंकल हाय हाय हाउ आर यू विक्रम? एब्सोल्युटली फाइन। वो एक्चुअली महेश अंकल ने मुझे भी बताया था, अच्छा लगा कि आपने कॉल किया विक्रम। या बिकॉज़ हमारी कभी बात नहीं हुई थी, मैंने सोचा मैं सो आई अंडरस्टैंड। और विक्रम व्हाई आर यू सो शाय? नो नो डू यू हैव समथिंग टू आस्क? आप पूछ सकते हैं मुझसे। और खाना खा लिया? हाँ बट आपको पता है आप मेरे से कुछ और भी पूछ सकते हैं। या कुछ और भी? हाँ क्या खाया आपने? ये कैसी बात है? मैं अभी जनरली विक्रम आप कुछ और भी पूछ सकते हैं इसके अलावा। हाथ धो लिया? हाथ नहीं, खाने के बाद हाथ धोने पड़ते हैं ना, मेरे तो नाखूनों में दाल लग जाती है कभी कभी, होता है। विक्रम वी आर टॉकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। या आई नो एंड यू नो यू कैन गेट कंफर्टेबल। आप पूछ सकते हैं मेरे से जो भी आपको पूछना है। इफ यू वांट टू आस्क मी लाइक एनीथिंग यू नो। और आगे का क्या सोचा हुआ है तुमने? आगे का तो यही है, अब टंकी भर गई, पानी बंद कर दूंगा मैं। हेलो तू चुप कर, क्या हो गया? तू जा अपनी टंकी बंद कर, टंकी अभी भरने वाली। बोला ना जाके टंकी बंद कर, अभी भरी पूरी भर जाएगी ना अभी थोड़ी देर में। मेरी बात सुनो ना आप मेरे को। गधे के बच्चे, तेरी ना कभी शादी नहीं होगी, मैं भी महेश अंकल को बोल दूंगी ये बात। तू टंकियां ही बंद करेगा, देख लियो फ्यूचर में, यही प्लान है तेरे फ्यूचर का। खाने में क्या खा रहा है? नाखूनों में डालने की टंकी बंद करनी है? रिश्ता खत्म हो जाएगा। यार मेरी बात सुन लीजिए, रिश्ता खत्म हो उससे पहले मैं बता दूं, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं, उसका रिश्ता खत्म मत करिए। हेलो मैडम मंदाकिनी जी, हाय जी, हाय बताइए। मंदाकिनी जी मेरे को पता चला कि आप कास्टिंग कर रही हैं, तो अभी ये क्या सीन ऑन है जी? बताइए क्या क्या फिल्म बना रहे हैं आप? मैं आपसे वैसे ही पूछना चाह रहा था, क्या फिल्म बना रहे हैं? या लो बजट फिल्म है, बताइए। मंदाकिनी जी मैं अभी बात कर रहा था अपने लिए उनसे, तो वो कह रहे थे अभी आपके यहाँ ओपनिंग है कास्टिंग में, मतलब मेरे लिए कहीं आप कोई जगह निकल आए तो। नहीं अभी तो मैं बस, कास्टिंग हमारा पिछले हफ्ते शुरू ही हुआ है, तो मैं आई विल कॉल यू, आई हैव योर नंबर। मैडम मंदाकिनी जी ये है, फिर मेरे को कहीं और काम वाम मिल गया ना, तो फिर मैं ये होगा कि आपसे बात नहीं हो पाएगी। आई टोल्ड यू ना, जस्ट स्टार्टेड, मैं आपको बताऊंगी बाद में। मेरे को अभी वो बोल रहे थे स्टूडियो वाले, वो के तू बात कर ले। आपने किया इससे पहले फिल्मों में काम? यस मैडम, मंदाकिनी मैडम मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मतलब स्टार हूँ, मैंने तो ये छोटे मोटे काम किए हैं। मैंने वही नहीं, मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं कोई हीरो था या आपने किया इससे था। पहले फिल्मों में काम? तीन फिल्मों में काम किया है मैंने, तीन फिल्मों में किया। काम किया आपने? आजा नचले में मैं था, आजा नचले में मैंने काम किया, बैंग बैंग में मैंने काम किया। बैंग बैंग में काम किया आपने? एक ये नहीं आई थी अवतार अंग्रेजी जी? हाँ इसमें भी किया है मैंने। कौन कौन सी बताई आपने पिछले? अवतार, ये अंग्रेजी वाली, बैंग बैंग और राजा नचले में, तीनों में काम किया है मैंने। कौन से सीन में थे आप इन तीन पिक्चरों में? ये इंटरवल में ना, इंटरवल इसका मतलब आप देखने नहीं आए बैंग बैंग जो? हाँ, मुझ देखी है मैंने बैंग बैंग। कहाँ थे आप? इंटरवल में, जब बैंग बैंग का इंटरवल नहीं होता मैं बीच में आता हूँ लोगों के बीच में, कॉल ड्रिंक। आजा नचले में मैं थोड़ी देर पहले आ गया था इसमें। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न,
और मंदाकिनी मैडम वैसे नहीं कह रहा, ऑडियंस ने इतनी तारीफ करी है, इतनी तारीफ करी है, इस बैंग बैंग में तो खास तौर पर तारीफ करी है मेरी। अवतार में मैं ये नहीं कह रहा मैंने कोई बहुत लंबे चौड़े काम किए, अवतार में छोटा था मेरा काम, इसमें भर गैर तीन बार आया हूँ मैं। कहाँ गए मंदाकिनी मैडम? लाऊं आपके लिए पियोगे? हेलो हरदीप भाई, आई एम नकुल, मैं आपकी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। नकुल या बट देयर इज नोबडी विद सच दिस नेम नकुल। आई एम कॉलिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट ऑफिस। ओह बॉम्बे, ओके ओके, हाय नकुल, डू यू हैव 2 मिनट्स? या प्लीज। हरदीप, डू यू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, लाइक मरने के बाद जिंदगी है? ओके, यू नो आई डोंट बिलीव इन यू नो सच यू नो नॉनसेंस। अलग दुनिया, मतलब हम कहाँ पहुँच गए हैं, अभी भी लोग बोलते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ है, बट आई डोंट बिलीव इन सच थिंग। डिस्कवरी चैनल और से यू नो इतने बड़े बड़े जो रिसर्च कर रहे हैं इसके अराउंड, जो भी लोग, दे आर नॉट एबल टू प्रूव एग्जैक्टली यू नो देयर थ्योरी। हरदीप, व्हाट आई एम सेइंग, देयर आर सम प्रूफ। नो आई डोंट गेट सच थिंग, यू नो कि ऐसा क्या प्रूफ। मैं बोल रहा हूँ आदमी सर एक बार गया तो गया, सो गया, देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ। बस अभी क्या मेरे कहने का मतलब, हरदीप ट्रस्ट मी, देयर आर सम प्रूफ। आपके पास क्या प्रूफ है? कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के कौन से प्रूफ आप देखते रहते हैं? एंड आई हैव स्टडीड सब्जेक्ट अराउंड, लेट मी शो यू, लेट मी टेल यू हरदीप, आपको यू रिमेम्बर, आपने 10 दिन पहले छुट्टी ली थी, आपकी चाचा की डेथ हो गई थी। यू रिमेम्बर, आपके चाचा की डेथ हो गई थी जी, वो परसों मिले थे हमें मार्केट में, GIP मॉल जो नोएडा में है उसमें वो घूम रहे थे। सो वे चाचा मिले थे आपको? यस। तो सर होता है कि ना कुछ हो, आखिरी ख्वाहिश जान मरने से पहले हो सकता है कि कुछ पसंद किया उन्होंने, एंड यू नो ही वाज देयर, जस्ट यू नो हो सकता है GIP से कुछ लिया उन्होंने, एंड ही इज देयर, एंड मैं पूछूंगा उनसे कि आप गए थे क्या उधर? आपने चाचा की अब बहुत याद आ रही है सर, आई कांट कैरी दिस कॉन्वर्सेशन, नो सॉरी। हेलो विकास जी। हाँ विकास बोल रहे, बताओ। विकास जी, हम गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई किए थे, आप थोड़ा बता दें कि क्या हो रहा है, तो फिर हम देखें कहीं और या रुकना है। अच्छा, फॉर्म भरा था? फॉर्म तो भर दिए थे। अरे तो फॉर्म तो अभी है नहीं। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? MP सर। MP, पूरा नाम बताओ ना। मोहन पाल सर। अच्छा मोहन पाल। पिताजी का क्या नाम है? MP सर। नहीं, पिताजी का क्या नाम है? मनमोहन पाल सर। अच्छा, कहाँ से हो? MP सर। मध्य प्रदेश से? नहीं सर, मणिपाल से। अच्छा, कितना पढ़े हो? MP सर। इसका क्या मतलब है भाई? मैट्रिक पास सर। क्यों करनी हुई है नौकरी? MP सर। MP मतलब? मनी प्रॉब्लम सर। दिल्ली में कहाँ रहते हो? MP सर। MP का? महिपालपुर सर। कैसे आदमी हो यार तुम? MP सर। क्या MP का? माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी सर। चलो तुम्हारी नौकरी पक्की हुई है। MP सर। माय परफॉर्मेंस सर? MP क्या है सर? मेंटल पेशेंट। आ गए सर, हम जा रहे हैं। कौन आ गए? MP सर। मम्मी पापा सर। हेलो केमिस्ट, शिवानी बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए, एक मिनट। अरे वो हाँ बोलो जी। आपको अगर घर पे अगर कोई मदद चाहिए होती है तो आप? यस वी हैव द होम डिलीवरी, जल्दी बोलिए। नहीं मैं, हेलो, मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं बाद में बात कर। हेलो, मैंने अभी आपको फोन किया था। हाँ मैडम, आप बोलो तो कुछ। आपका फोन कट गया था। आप घर पे हेल्प कर देते हैं? मैडम हमारी होम डिलीवरी है, आप चाहिए क्या आपको? मैं बाद में बात करूंगी। हेलो केमिस्ट, अभी आपसे बात हुई। एक सेकंड, क्या चाहिए आपको? कॉन्डम चाहिए? नहीं, क्या नाम है आपका?
ओके माय नेम इज सतीश, नाउ यू टेल मी। सतीश मेरी छोटी सी प्रॉब्लम ये है सतीश, मेरी शादी होने वाली है। ओके आर यू प्रेग्नेंट? नो नॉट एट ऑल। नो देन व्हाट? मेरी शादी होने वाली है और मेरा बॉयफ्रेंड डॉक्टर है। ओके तो उसने मुझे लव लेटर लिखा है ये। सतीश जी मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्या आप पढ़ के बता देंगे? मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा ये क्या लिखा है, बोला किसी केमिस्ट को दे दो पढ़ देंगे। तो आए के बाद दो गोले बनाए, फिर पता नहीं दिन में 3 बार गरम पानी के साथ। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली। हेलो मिस नीरज, हाय। आई मैं आपको थोड़ा सा ये याद दिलाना चाह रहा था। आई केम टू नो आप मैगजीन निकाल रहे हैं। व्हाट्स योर नेम? आई एम मुकुल। मेरे को मालूम नहीं आप किस तरह की मैगजीन निकालते हो, लेकिन मैं सभी को फोन करके ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों की रीच ज्यादा है उनको एक सोशल मैसेज दूं कि 31st नाइट को इतने लोग ड्रिंक कर लेते हैं। आपको भी, आप भी इससे अग्री करते होंगे, और बहुत रिस्की होता है ड्रिंक करके अपनी कार से घर जाना वापस। एक्चुअली आप सोच तो सही रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों को कुछ फायदा है नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि हर साल ये सब होता है और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग बाग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बट स्टिल अगर हम थोड़ा मैसेज, अरे सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप कितना ही कर लो, कुछ भी कर लो, लोग बाग नहीं मानते। यू नो ओके ओके मैं आपको अपने एग्जांपल देता हूँ, है ना। लास्ट ईयर 31st नाइट पे मैं भी पार्टीज में जाता हूँ, एंड आई टुक अ वेरी गुड डिसीजन। यार दोस्त थे सबने, मैंने भी पी ली थी, मैंने भी चढ़ा ली थी, इनफैक्ट मैं पूरा टली हो गया था। यू नो मैं लग्जरी कार यूज करता हूँ, उस दिन मैंने ये डिसीजन ले लिया कि यार जान से ज्यादा नहीं है, मैं कार से नहीं जाऊँगा घर। यू नो मैंने बस ली, मैंने बस से मैं घर गया। मैं मेरे ख्याल से 1.5 घंटा लेट पहुंचा, लेकिन मैं बस से गया। वेरी नाइस, वेरी गुड। मैंने उसी वक्त सोच लिया था बस पकड़ूंगा और बस से जाऊंगा। दैट वाज अ गुड डिसीजन, दैट्स व्हाई यू आर हियर टुडे टू टॉक मी। एंड यू नो व्हाट, यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट, यू नो व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट? मैंने इससे पहले बस चलाई भी नहीं थी कभी। मेरा पहला मौका था जिसमें मैंने बस चलाई, आप यकीन करना, मैंने ना मेरे पास लाइसेंस है बस का, मैंने देखा बस खड़ी हुई है, ये तोड़ फोड़ बजाया जा रहा, पीछे सवारियां कह रही है मरेगा 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 मरेगा, ब्रेक मार ब्रेक मार ब्रेक मार ब्रेक मार। सर मुझे उस दिन पता चला बस का स्टेयरिंग कितना बड़ा होता है यार, हमारा तो गाड़ी का छोटा होता है। हाँ जी, जब कोई प्यार में पड़ जाए और दुविधा बढ़ जाए तो परेशानी तो होती है, लेकिन किसी को थोड़ा सा डरा के अगर मुस्कुराहट उसके चेहरे पर ला दें तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। अब सिंपल काम करना यह है कि मुर्गा बनाना है तो बनाओ। राहुल हाय। राहुल मैं मधु के दोस्त शिफाली बोल रही हूँ। राहुल शिफाली को मैं लेके गई थी डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने राहुल पॉजिटिव बताया है और मधु इतनी परेशान है, कुछ बात नहीं कर रही। ऑलराइट काम है, समझ नहीं रहे तुम। डॉक्टर के पास लेके गई थी मैं मधु को, डॉक्टर ने पॉजिटिव बताया राहुल। किसी से बात नहीं कर रही, मैं कह भी नहीं हूँ मधु, डोंट वरी, लेकिन चुप है, कमरे में बंद है और मैं मधु के घर से ही बात कर रही हूँ। मुझे डर है मधु के डैडी ना आ जाए, पॉजिटिव बताया। क्या बहुत परेशान है, वो किसी से बात नहीं कर रही राहुल। तुम फोन दो, वो आ नहीं रही है, यही बैठी है मेरे पास, लेकिन मधु प्लीज टॉक टू हिम वंस। मधु मेरी बात करा दो उससे, वो यहीं पे बैठी है, वो बात करने को तैयार नहीं है। कैन यू प्लीज गिव द फोन टू हर प्लीज। मैं कोशिश कर चुकी हूँ, नहीं ले रही फोन। हेलो मधु, नहीं सुन। मैं डालती हूँ लाउड स्पीकर पे। मधु नाउ शी इज लिसनिंग, she is listening। मधु you don't worry, तुम बिल्कुल फिकर मत करो, मैं हूँ, okay? देखो it will be all right, सब ठीक हो जाएगा, तुम मेरी बात सुनो, ठीक है? मैं हम
शेफाली हेलो या लिस्टिंग मुझे डर है कहीं मधु के पापा ना आ जाए हम लोग मिलके कुछ देखो लिसन तुम मुझे मिल सकती हो कुछ सोचते हैं यार तुम प्लीज उसे लेट्स टॉक प्लीज हेलो या मधु के पापा आ गए मधु के पापा आ गए अबे ये होते हैं ना माँ बाप को बताओ मत फिर ये रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं पहले मना करता था मैं आ गया ना पॉजिटिव रिजल्ट अब मैं इससे बात करता हूँ हेलो हेलो हाँ मैं मधु का पापा बोल रहा हूँ आ गया ना रिजल्ट पॉजिटिव नमस्ते अब ये जो रिजल्ट पॉजिटिव आया है इसका कौन खमियाजा भुगतेगा अंकल I'm really sorry, we really love each other. नहीं तो लव करने से क्या होता है भाई ये रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तेरे को ये तो पता चल गया ना शादी करने से क्या होता है शादी कर लेंगे आप प्लीज अगर आप अभी करेंगे तो अंकल वैसे मेरी गलती नहीं है अंकल इसमें तेरी गलती तो है भी नहीं गलती तो मच्छर की है उल्लू के पट्टे की जिसने काट लिया और डेंगू पॉजिटिव आया है पॉजिटिव है डेंगू मैं मना करता था नाले के पास मत खड़े हो बच्चे मत खड़े हो आ गया पॉजिटिव रिजल्ट अंकल मधु को डेंगू हुआ डेंगू है पॉजिटिव डेंगू है डेंगू हंस क्यों रहा है अरे वो तो ठीक हो जाता है अंकल हाँ ठीक हो जाता है लेकिन हंस क्यों रहा है सॉरी अंकल वो बस गेट वेल सून कह दीजिएगा उसे मैं बोल दूंगा बाय बाय जी बाय बाय हेलो यतिन हाय आई एम कॉलिंग फ्रॉम क्लब ओके यस आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू आप तैयार हैं पार्टी के लिए 31st मैं तैयार हूँ साथ में मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब तैयार हैं एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड यतिन आई एम सो सॉरी पार्टी कैंसिल हो गई है यहाँ पे पार्टी कैंसिल हो गई यस आई जस्ट केम टू नो के पार्टी कैंसिल करनी होगी क्योंकि सर वो 25-30,000 लोग नहीं आ पा रहे हैं क्या मतलब पार्टी कैंसिल होगी ऐसे मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स वगैरह हमने कहीं और बुकिंग नहीं करी पैसे मैं दे चुका हूँ आप लोगों को आप एंड टाइम पे मेरे को बोल रहे हैं पार्टी कैंसिल यतिन आई नो बट आई एम सो सॉरी ये जो बाकी जो लोग हैं जो नहीं आ रहे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम इनकी वजह से पार्टी कैंसिल कर दी है हमने बाकी लोगों से मेरे को क्या मतलब है बॉस हमने आपको पैसे दिए हैं आपको बुकिंग करनी नहीं चाहिए थी पहले फिर मुझे मालूम नहीं था कि ये लोग नहीं आएंगे सडनली मुझे पता चला कि ये लोग नहीं आ रहे हैं जब 25-30,000 लोग तो मैं क्यों यू नो बार बार आखिर ये है कौन ये लोग किसकी बात कर रहे हैं आप यतिन बहुत सारे लोग हैं जिनका इंतजार कर रहे थे हम और ये सोच रहे थे कि 31st नाइट सब मिलके मनाएंगे आपको मालूम है इनमें से वो कौन लोग हैं जो नहीं आ रहे हैं इस साल कौन यतिन इनमें से पेशावर के वो 100 बच्चे हैं जिनको हम चाह रहे थे कि वो भी 31st नाइट को एंजॉय करते पार्टी करते जो सिडनी में मारे गए हैं उनको भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो भी आ जाए इस पार्टी में यतिन इस लिस्ट में मैं ये सोच रहा था कि 31st नाइट में जब सारे खुश हैं तो इनको भी बुला लेना चाहिए जो मुरादाबाद में लोग मारे गए मैं सोच रहा था वो भी आ जाएंगे लेकिन वो भी नहीं आ रहे लिस्ट तो इतनी बड़ी थी मेरी और मैं चाह रहा था कि लिस्ट खत्म ना करूं और सबके साथ एक पार्टी करूं त्रिलोकपुरी में जो लोग मारे गए ना वो भी नहीं आ रहे इस पार्टी में बॉस्टन में जो लोग मारे गए हम सोच रहे थे कि वो भी पार्टी में आ जाएं क्योंकि उन्हें भी हक है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का लेकिन वो भी नहीं आ रहे क्योंकि मार दिया दूसरों ने इतना बड़ा अरेंजमेंट करना चाह रहे थे हम इस पार्टी का कि पैलेस्टाइन में जितने लोग मारे गए मैं सोच रहा था कि वो भी पार्टी में शरीक हों और सारे न्यू ईयर खुशी बनाएं वो भी नहीं आ रहे मैं तो सोच रहा था यतिन के इन सबके साथ पार्टी करूं लेकिन इनमें से कोई नहीं आ रहा है क्योंकि किसी और ने मार दिया इनको और इनकी पार्टी कैंसिल कर दी आप क्यों कौन बोल रहे हैं नवेद बोल रहा हूँ मैं रेडियो मिर्ची से नवेद पार्टी तो सभी करते हैं लेकिन इन सब चीजों में मैंने क्या बिगाड़ा है यतिन कुछ नहीं बिगाड़ा आपने लेकिन आज मैं ये सबको बताना चाह रहा हूँ अब जरा सोचिए कि वो बच्चा जो गन पॉइंट के सामने खड़ा होगा वो उस इंसान से कहता होगा कि अंकल मेरे क्यों गोली मार रहे हैं मैंने क्या बिगाड़ा है आपने कुछ गलत नहीं किया है पार्टी करनी चाहिए लेकिन मैं सही में ये बात बताना चाह रहा हूँ कि वो सारे लोग कुछ ना कुछ करना चाहते थे 31st नाइट को लेकिन कहीं ना कहीं हम सारे जिम्मेदार हैं ना उनकी 31st नाइट में आग लगाने के लिए उनकी जिंदगी खत्म करने के लिए यतिन मेरी ये इंटेंशन नहीं थी कि मैं किसी के भी न्यू ईयर में दखल डालूं लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अफसोस इस बात का है कि ये जितने लोग हमारे साथ आज नहीं हैं ये सारे हकदार थे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के जे आप ये न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाए या ना बनाए कि आप सिगरेट छोड़ देंगे मैं आपसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब एक रेजोल्यूशन बना लीजिए प्लीज किसी भी ऐसे इंसान की बात नहीं मानेंगे जो दूसरे मजहब को बुरा कहता हो क्योंकि सिगरेट पीने से सिर्फ आप मरते हैं लेकिन ऐसी चीजें फॉलो करने से आपके साथ साथ आप 1,000 लोग लेके मरते हैं अफसोस इस बात का है कि हमने ही हमको मार दिया यतिन आई एम सो सॉरी कि मैंने आपका मूड ऐसा कर दिया मुझे मालूम है कि आपको पार्टी में जाना है आपकी पार्टी कैंसिल नहीं हुई है लेकिन प्लीज मेरे साथ मिलके सब एक बार ये कोशिश करें कि सन 2015 31 दिसंबर को मैं कोई भी नाम ऐसा ना गिनवाऊं कि इनका न्यू ईयर इन्होंने खत्म कर दिया
बिल्कुल सही कह रहे हैं और अभी चाहूंगा कि नेक्स्ट ईयर हम और ज्यादा खुशी के साथ सेलिब्रेट करें। हैप्पी सेफ ईयर यतिन। हेलो हेलो राजू। नहीं राजू नहीं बोल रहा। राजू मेरी बात सुन, तुझसे बहुत जरूरी काम है, बस मेरे को दो मिनट दे दे। नहीं बोल रहा भाई, मैं शानू बोल रहा हूं। सुन बात सुन, दो मिनट दे दे, मैं तेरे को बहुत जरूरी काम से फोन किया है इस वक्त। भाई मैं राजू नहीं बोल रहा भाई, मैं शानू बोल रहा हूं। हेलो राजू। भाई मैं राजू नहीं बात कर रहा। हेलो राजू मेरी बात सुन ले, अगर जरूरी काम ना होता ना मैं तेरे को कभी फोन करता, मार कसम बता रहा हूँ मैं। सुन ले मेरी बात सुन, मैंने ये जरूरी काम है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ तेरे से, अगर वो ना मैं परवाह भी नहीं करता। नंबर मिला रहा भाई बार बार। हेलो हेलो राजू मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इस पर मैं साथ नहीं दूंगा ना तो कोई कोई नहीं पूछेगा, कोई कोई तेरे। अब क्या है राजू, मैं तो राजू नहीं बात कर रहा, उल्लू के पट्टे बेटी फोन का नंबर चेक कर ले, तू टाइम वेस्ट कर रहा अपना भी और मेरा भी। मैं राजू नहीं बात कर रहा, मैं शानू बात कर रहा हूँ। हेलो राजू, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये मेरी बात सुन ले, तू मेरे को पता है ना, दुनिया तेरे को ना पूछे, कोई दुनिया वाला ना पूछे, मैं जानता हूँ भाई की परेशानी। भाई जब परेशान होता है ना तो दिल के भाई पे लगती है और फिर भाई फोन करता है कि मैं राजू की हेल्प करूंगा। भाई मैं राजू बोल नहीं रहा भाई। हेलो राजू मेरी बात सुन, अगर मेरे से नहीं कहेगा ना तो कैसे बताऊंगा मैं तुझे, मेरी बात सुन। तो भाई मैं तेरे को एक घंटे ये तो समझा रहा हूँ, राजू नहीं बात कर रहा, तू रॉन्ग नंबर मिला रहा बार बार। हेलो राजू मेरी बात सुन ले, बहुत जरूरी काम है मेरे भाई। मेरी तो सुन ले राजू। हाँ बोल, राजू बोल रहा हूँ, बता क्या कहना चाहता है। सुन ओए राजू, प्यार ना करियो करियो, दिल टूट जाता है। मैं रात से सोच रहा था बताने के लिए। चाहत की बात ना करियो करियो, दिल टूट जाता। मैंने पापा से कहा ना खुद बताऊंगा उसको, है? समझ गया। सोनम हेलो, दो भाई की साइड ऑन क्रॉसिंग दो उनको। चेतन जी। हाँ जी चेतन जी, मैं केमिस्ट से बोल रहा हूँ। हाँ जी एक बात बताइए, क्या गलती हो गई हमसे ऐसी? क्या हुआ? आप कल आए थे, उस वक्त भीड़ भीड़ भी थी, मेरे छोटू ने भी कहा कि चेतन जी आए थे यहाँ पे और बिना कुछ ले चले गए, कोई नाराजगी हो गई। हमें तो एक भी ग्राहक अगर वापस जाता है, एक भी हमारा कस्टमर वापस जाता है, हमें टेंशन हो जाती है। आप हमारे केमिस्ट पे आए हो तो पता नहीं क्या नाराजगी हुई, आप वापस चले गए, पांच मिनट खड़े हो गए। कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही टहलते टहलते आ गया। तो सर आपको कहीं और से कुछ लेना है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हमारा एक भी कस्टमर जाता है, मैं तो ये कहता हूँ कस्टमर सबसे बड़ा है यार। चेतन जी आप पांच मिनट वहाँ पे खड़े हो, मेरे को छोटू ने आपका ही नंबर दिया कि यार ये आते हैं, कल पता नहीं आए और कुछ लेके नहीं गए, कोई नाराजगी हो गई सर? तो बस कुछ नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ चाहिए था सर? हाँ सर, वो कॉन्डम के लिए आए थे। कितने कॉन्डम लेने थे सर? दो पीस चाहिए थे सर, थोड़ा वो मैं बोल नहीं पाया। कमाल है, एक सेकेंड रुकिए आप। चेतन जी आप मयूर विहार पॉकेट में रहते हो ना आप? जी। तो आप बोल देते, मैं आप बोल देता हूँ छोटू को। छोटू चेतन जी के दो कॉन्डम दो पीस मयूर विहार पॉकेट, चेतन जी के दो पीस कॉन्डम पॉकेट मयूर विहार सेक्टर। शाली जी नोट कराओ। भाई साहब चेतन जी के दो पीस कॉन्डम। हेलो भाई साहब, चेतन जी का दो पीस कॉन्डम ले लो। ओए हेलो। हाँ जी केमिस्ट पे कितने लोग हैं, सबने नोट कर लिया? चेतन जी के दो पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। एक सेकंड चेतन जी, मैं जरा ये लाउड स्पीकर निकालू। ओए हेलो हेलो, चेतन जी के दो पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट, चेतन जी के दो पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। अरे मीडिया में बताया किसी ने? नमस्कार, सूत्रों के मुताबिक चेतन जी के दो पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। ऊपर भी अनाउंस करो भाई। या दिस इज डेल्टा 2 अल्फा कॉपी, चेतन जी के दो पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। ओवर। चेतन जी की मार लो। हाँ जी केमिस्ट में कितने लोग हैं, सबने नोट कर लिया? चेतन जी के दो पीस कॉन्डम। ओए चुप कर। अरे सर मैं केमिस्ट से नहीं, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ, आप शादीशुदा इंसान हैं और किसी ने मुझे आपका नंबर दिया, ये मेरी समझ में नहीं आता। प्रिकॉशंस है तो प्रिकॉशंस हैं, आप शर्माते क्यों हैं? कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं कॉन्डम खरीदने में, क्यों शर्मा रहे हैं आप? ऐसे कौन बोल रहे हैं आप?
मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। हाँ जी सर, आप रेडियो पे हैं? हाँ अभी हम रेडियो पे हैं। सर एक शेर सुनाऊं? सुनाओ। के साकेत फ्लेक्स सिटी मॉल में गया, वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड खड़ी थी सोनिया, मैं उससे बात करने लग गया, उसके भाइयों ने बजा दी मेरे में कोनिया। हेलो सरस्वती जी, नमस्कार। नमस्कार, कौन? सरस्वती जी, मैं उदम भैया का भाई बोल रहा हूँ, मीडिएटर जो थे। कैसी रही मीटिंग, आप लड़की देखा है? मीटिंग तो अच्छी रही, लड़की भी अच्छी थी। ये देखिए सरस्वती जी, ये ऊपर वाले की बात होती है, वरना कहाँ का मीडिएटर, कहाँ के लोग, मतलब जब रिश्ते बनाए होते हैं ना ऊपर वालों ने, सरस्वती जी मैं समझता हूँ उसको कोई तोड़ नहीं सकता फिर। बेटा बात तो यही है, लड़की ठीक थी, घर वाले भी ठीक थे। घर के तो कितने बजे गए थे आप कल? तो शाम में गए थे। शाम में? हाँ। तो मीटिंग अच्छी रही, लड़की लड़की के पापा मम्मी उनकी सबसे मिल लिया? हाँ, सब फैमिली अच्छी है, घर अच्छा है बेटा। इसके पापा भी बहुत खुश हैं, देख के आए हैं, पसंद किया। हाँ, नहीं मेरे को भी, मैं बताऊँ सरस्वती जी, जब मैं वहाँ पे गया था ना, मैंने देखी लड़की, मैंने कहा यार ये बिल्कुल ठीक है, सरस्वती जी को बताता हूँ अपने लड़के के लिए। देखिए बस ऊपर वाले की कृपा है सबके, मतलब जहाँ जहाँ लिखे होते हैं। और बेटा खातिर वातिर भी उन्होंने नहीं देखिए, खातिर का तो ये, आप तो फिर भी चलो रिश्तेदार उनके हो जाओगे। आप ये सोचो ना, मैं मीडिएटर गया था पहली बार उनके यहाँ। हाँ। मैं मीडिएटर गया था, मेरी इतनी खातिर करी, मैंने कहा यार कितना खिलाओगे, बोले नहीं खाओ। मैंने कहा यार मोहब्बत की बात होती है। खातिर तो हमारी भी बहुत की है, सब कुछ देखो ठीक था, पर देखो हम उससे कोई ये तो है नहीं, खाना पकाने के लिए उसको अपनी बहू बना के ला रहे हैं। ये तो मैं जानता हूँ, आप हाँ ऐसे सोच भी नहीं सकते। ये मैं नहीं पूछ पाई कि वो क्या क्या बना लेती। मेरे को मालूम था सरस्वती जी आप नहीं पूछोगे ये। और देखिए ये एक अच्छी महिला की मतलब पहचान है कि आपको, मुझे मालूम है आप बहू इसलिए नहीं ला रहे कि वो खाने ही बनाए, लेकिन हाँ। ये है कि आपकी वो होगी तसल्ली कि भाई क्या क्या आता है उसको बनाना, ये पूछना हाँ। चाह रहे होगे ना, बनाए या ना बनाए किस्मत है, पर आना चाहिए, आना चाहिए। इसीलिए आप यकीन करना सरस्वती जी, मुझे मालूम था जब आप वहाँ से उठ के गए ना, मैं 2 घंटे बाद गया, मैं पूछ के आया हूँ यही सवाल। पूछा आपने? हाँ मैंने पूछ लिया, मैंने कहा उसकी माताजी से पूछा, मैंने कहा भाई क्या क्या बना लेती है। क्या बताया? मैंने यही पूछा, मैंने कहा भाई आपकी बेटी क्या बना लेती है, तो उन्होंने कहा कि अब जब से मैगी बंद हुई है अब क्या इसकी तारीफें करें। तो मैंने कहा फिर भी बताइए क्या बना लेती है, तो क्या उन्होंने कहा कि सेल्फी लेते वक्त 5 तरह के मुँह बना लेती है, ऐसे मुँह बना के दिखाया उसने, पहला तो ऐसे क्लिक, फिर ऐसे ये सेल्फी पाउडर बना के क्लिक, तो 5 तरह के मुंह बता रही थी, 5 तरह के मुंह बना लेती है। माता जी सरस्वती जी वो मुंह बनाती हैं, मुर्गा बनाती हैं। और धन्यवाद माता जी। अच्छा धन्यवाद बेटा। हेलो। हाय। Hi. Is that Juhi? Yeah, who's this? अपने बारे में तो बताऊंगा, I just wanted to know, आपसे किसी ने कहा है कि आप खूबसूरत हैं? Sorry, आप कौन बोल रहे हैं? नहीं मैं अपने बारे में आपको बता दूंगा, but tell me ना, आप जिन लोगों के आसपास बैठती हैं वो कहते तो होंगे कि आप खूबसूरत हैं, you are beautiful. Sorry, but आप कौन बोल रहे हैं? आप कहां से बोल रहे हैं? अपने बारे में जूही, मैं अपने बारे में बताऊंगा, but tell me ना, आपसे कहते हैं लोग वो कि आप खूबसूरत हैं? नहीं ऐसा तो किसी ने नहीं कहा, मतलब कहते नहीं है लोग, बट किसी ने तो कहा होगा आप खूबसूरत हैं? नहीं कहा तो नहीं है वैसे किसी ने। टेल मी ना, सच सच बताइए, किसी ने नहीं कहा कि आप खूबसूरत हैं? नहीं वैसे अभी तक तो किसी ने नहीं कहा। चलिए शुक्र है कि कम से कम सच्चे लोगों के तो पास बैठती हैं आप। आई मीन इतनी सच्चाई कहाँ मिलती है आजकल के जमाने में। कहीं ना कहीं आदमी झूठ बोल ही देता है, बट आई एम हैप्पी कि सच्चे लोगों के साथ हैं आप। चलिए मैं रखता हूँ फोन, में बाद में बात करूंगा। ओ ओ एक सेकंड, कुत्ते के बच्चे कहाँ जा रहे हैं फोन रख के? अगर फोन किया ना फिर से तो टांगे तोड़ूंगी मैं तेरी, समझ में आया? खून से भरे लेटर लिखे हैं मेरे पास लोगों ने, ठीक है? ज्यादा जानना है ना तो अपनी माँ से जाके पूछ ले कि वो खूबसूरत है कि नहीं है, समझ में आया? मैं हेलो, मैं मिर्ची से नवेद बोल, यार ये तो भागे। हेलो सिमर जी, हाय आई एम कॉलिंग फ्रॉम स्नैपचैट, पता चला आपको प्रॉब्लम है स्नैपचैट पे कुछ? तो आ रही थी प्रॉब्लम, जेडे ओ नहीं है फिल्टर जे हुंदे सारे? यस यस मैम, फिल्टर्स, या
हाँ वो बाकी सारे तो चलते है, वो जरा एक कुत्ते वाला आंदा है अद्धा चलता अद्धा नहीं चलता, ओदे कान तक खड़े हो जाते हैं, जो जीभ कटनी होंगी जीभ वो निकलती नहीं हैगी, मतलब मेरे ते नहीं निकलती हैगी। अद्धा घंटा पहले मैं अपने पति नु दिता, वो ता पूरा कुत्ता बन गया सीगा, ओदे कान भी खड़े हो गए ते जीभ भी बाहर निकल आई, मेरी मारी नहीं चलता। मैडम मैं जान सकता हूँ मैं आपका मुंह का साइज जान सकता हूँ? नहीं दस एदे विच मुंह दा साइज की है? साइज फिर भी आप बताएंगे मेरे को थोड़ा सा? एक गिट तो दो कु उंगला छोटियां, मतलब जेड़े उंगल जेड़े पोटे होंगे ना दो वो छोटे, मतलब कान भी खड़े हो ने जीभ भी बाहर निकलती है। बिल्कुल कुत्ता नहीं बन रहा? ओहो मैडम इसका मतलब फोन में कुछ प्रॉब्लम है आपके? नहीं नहीं मैं थोनू क्या था है कि हुने मेरे हस्बैंड बने से कुत्ता वो ता पूरा बंदे पे है। आई वुड रिक्वेस्ट यू आप स्नैपचैट ऑन करेंगे प्लीज? हां रुको जरा मैं स्पीकर पे कर दिया। स्पीकर स्पीकर पे डालिए। हां जी कर लिया। कुत्ते ते जाओ कुत्ते वाला फिल्टर। हां आ गया जी। आप जरा बन के दिखाओ आप। हाँ फिर वही प्रॉब्लम आंदी पई है। जीभ बाहर निकालो ना आप, जब भी तो होगा पूरा। मेरी जीभ बाहर आ रही है, कुत्ते वाली जीभ नहीं आ रही ना बाहर। एक लास्ट चीज ऐसे करिए, तुसी मेनू पागल समझ रहे? नहीं नहीं पागल नहीं, कुत्ते दी आवाज मैं करी जावा बहु बहु मैं करी जावा के बिना जी बाहर निकल आओगी? नहीं तुसी तां भाई बहुत देर है तुसी करदे की पियो, मैं तो समझ नहीं। कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं हाथ जोड़दा पिया, मैं हाथ जोड़दा पिया। मैं क्या जी सारी, मैं क्या जी गलती हो गई ऐसी। हेलो जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। Give him 100 ml, 100 ml from the top needle. Once again, Baba. Hello. Just hold on. Hi, Abhinya. I'm Dr. Joshi. Hi. No, Jazzy. Once again, Jazzy. Calm down. Last one. उसको कॉटन साफ करके निडल लाना। Hello, Dr. Joshi. Yeah. अपनी मैं आपको ये बताना चाह रहा था, सौरभ आपके हस्बैंड भी आए थे, आई एम अ वेटरनरी डॉक्टर एंड आपके पास पेट है, डॉग है जी, ब्रूनो राइट? ब्रूनो ही वाज वरिड, आपके हस्बैंड मुझसे बात कर रहे थे बैठे हुए क्लिनिक में, तो आपका नंबर भी दिया था, तो मैंने कहा था मैं पर्सनली आपसे बात कर लेता हूँ। यू नो अपनी आई नो ब्रूनो आपसे तो घुला मिला है, लेकिन सौरभ की प्रॉब्लम है, वो कह भी रहा था कि उससे घुला मिला नहीं है। मैंने कितनी बार सौरभ को कहा कि प्लीज वो छोटा बच्चा है, मगर सौरभ को समझ ही में नहीं आता। यू नो मेरे को एक्सपीरियंस 15 साल का है, मैंने बहुत सारे पेट्स देखे हैं, ये एक नेचर होता है पेट्स का, यू नो किसी से घुल मिल जाता है किसी से नहीं घुल मिलता। अगर वो काट फाट लेगा यू नो ना रेबीज एंड ऑल जब मेरी सौरभ से बात हुई थी उसने बताया, मैं आपको बताता हूँ जो पेट्स घर में ज्यादा रहते हैं, आई डोंट थिंक सो आप उसको ज्यादा बाहर ले जाते हो। एक्चुअली ही इज जस्ट अ लिटिल बेबी, आई डोंट वांट हिम टू बाहर, बहुत ही कम ले जाती हूँ, एंड अगर लेके भी जाती हूँ तो मैं उसको अपनी गोदी में रखती हूँ। दो इंजेक्शंस अभी वैक्सीनेशन और इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मैंने बोला सौरभ को कि अगर ये दो इंजेक्शंस लग जाए यू नो और बाई चांस What happened? कितना पेनफुल होगा मेरी बेबी के लिए। कल को कुछ हो जाए, सौरभ भी थोड़ा सा वरिड है। मैंने सौरभ को कितनी बार बोला है, हमेशा जब भी उसको डांटते रहते तो वो काटेगा नहीं क्या फिर उसे? As a doctor, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा अच्छा सा। डॉक्टर आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो दो इंजेक्शन हैं वो मतलब किस I'll tell you, दो इंजेक्शन जो अब नया वैक्सीनेशन है इसमें निडल थोड़ा सा मोटा होता है। क्या डॉक्टर कितना? आई थिंक जो नॉर्मल आप निडल देखते हैं उससे थिकनेस में उसका, अगर आपको बताऊं तो मोटाई में मेरे ख्याल से उसके जस्ट डबल से थोड़ा सा ज्यादा है। थोड़ा पेनफुल होता है इसलिए क्योंकि जब मेडिसिन वेन में अंदर जाती है तो थोड़ा सा बहुत ऐसा लगता है कि बहुत तकलीफ हो रही है। क्या डॉक्टर? आई थिंक वो समझदार है, वो यू नो लग कहां समझदार है डॉक्टर, छोटा सा बेबी है ब्रूनो। नहीं 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 आप गलत समझ रही हैं, आई नो वो छोटा सा बेबी है लेकिन सौरभ तो बड़ा है, मैं सौरभ को लगवाने के लिए बोल रहा हूँ इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, निडल होती है थोड़ी मोटी और वेन में जब होती भी जाती है दवाई नसों में तो थोड़ा पेन होता है 2.5-3 घंटे के लिए। तो अगर मैं सौरभ से कह रहा था तुम लगवा लोगे तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर काटता भी है तो, बट सौरभ मेरे को बोल रहा था डॉक्टर तकलीफ होगी बहुत ज्यादा यू नो पेन। डॉक्टर क्या तकलीफ होगी, बचपन में तो लगे ही हुए हैं ना उसको इंजेक्शन, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार लग रहा है। बट सौरभ थोड़ा उसमें यू नो घबरा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। नो 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 डॉक्टर, सौरभ लगवा रहा है इंजेक्शन, मैं बोल रही हूँ ना इट्स फाइनल, वो लगवाएगा इंजेक्शन। कब आना है डॉक्टर? आई थिंक मेरे ख्याल से कल आ जाइए आप।
परफेक्ट। दूसरा ऑप्शन ये है कि ब्रूनो के आप लगवा लो इंजेक्शन इसमें, यू नो डॉक्टर मैंने कह दिया है ना कि सौरभ को ही लग रहा है इंजेक्शन। ओके देन कम। ओके डॉक्टर थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो। नवेद से रहा भी नहीं जा रहा, और गाना के मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कुत्ता प्यार करते सनम। डी नी 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 नी। हेलो मैडम मैं मिश्रीन जी से बात कर सकता हूँ? मैं मिश्रीन जी हो रही है मैडम, मैं से बोल रहा हूँ। आप अभी चले आए थे ना सूट लेने के लिए, कुछ सूट में प्रॉब्लम हो गई, आपने मेल वेल भी लिखा था। मैं एक बार नहीं, मैं 10 बार आ चुकी हूँ। मैं आपको इसलिए एक तो मुझे ये समझ नहीं आता है, जब तक कस्टमर 10 बार आपके स्टोर ना आ जाए ना आप उसकी सुनोगे नहीं। ऊपर से मैं वहाँ पर थक गई हूँ बता बता के, भैया मुझे नहीं फिट हो रहा है। मैंने तो आपको इसलिए फोन, मुझे नहीं पता किसलिए फोन किया है। अब तो खत्म हो गया ना, जिस चीज के लिए मुझे चाहिए था वो तो दिन चला गया ना, मैं क्या करूँ सूट का। अब क्यों फोन किया आपने? 10 साल बाद फोन करते हैं आप, पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते हैं ठीक है ना। 5,000 का कुर्ता लिया था मैंने वहाँ से, ऊपर से मैंने एक्सचेंज करने के लिए बोला, आप एक्स्ट्रा पैसे लगाए जा रहे हो, सुनने को कोई राजी नहीं है। एक तो पहली बार मैं जब आपके स्टोर से खरीद के गई थी एक कुर्ता, उसका कलर फेड हो गया ठीक है, एक ही बारी धोने में कलर फेड हो गया। आपने ऊपर से मुझे बोला कि आप जितनी बार धोगे उसका कलर फेड नहीं होगा। तीसरी चीज ये, जब मैं दूसरी बार आपके यहाँ से कुर्ता लेके गई थी उसका बुर निकल गया, एक ही बार पहना मैंने उसका बुर निकल गया यार। लेकिन आओ वापस उसे, मेरे पैसे वापस करो, मेरे हस्बैंड के पैसे पेड़ में थोड़ना होते हैं। 5,000 रुपए का कुर्ता बताओ मैडम। और एक बात शुक्र करो आप, मैं अभी तक कंज्यूमर कोर्ट नहीं गई ठीक है ना। पहले कुर्ते का कलर फेड हो गया, दूसरे कुर्ते के बोर्ड निकल गए, ऑल्टर करवाने को दो तो वो ढंग से साइज नहीं पता करते हमारा। नहीं मैं आपसे नहीं, एक बार बताओ आपके स्टोर से खरीदने में और थान में खरीदने में क्या फर्क रह गया मुझे बताओ। मैंने अभी सूट पहना हुआ, मैंने थान से खरीदा था, इतने टाइम से चल रहा है आपको पता ये बात। लेकिन आपके इतने महंगे स्टोर से 5,000 का कुर्ता मैं लेके जा रही हूँ, उसको पहले तो हमने ढंग से ऑल्टर नहीं करवाया। जो 2,000 के कुर्ते में पहले लेके गई थी, एक का कलर फेड हो गया, एक के बोर्ड निकल गए, अब बोल क्यों नहीं रहा है? नहीं बन पाएगा मैडम। क्या नहीं बन पाएगा? वो समझ गए हैं जो सुन रहे हैं ना, नहीं बन पाएगा, मुश्किल है। मेरे पैसे या तो वापस करो या तो मैं कंज्यूमर कोर्ट से लोगों को बुला के ला रही हूँ, या मुझे अगले कुर्ता जो मैं खरीदूंगी वहाँ से उस पर डिस्काउंट देना अच्छा खासा। गॉड ब्लेस यू मैम। हाँ गॉड ब्लेस यू। ऐसे कोई गॉड भी ब्लेस नहीं करता जब कोई लड़की परेशानी में हो यार। 2 हफ्ते पहले मुझे किसी पार्टी में जाना था, कुर्ता फिट नहीं आया, 2 बार मैं तुम्हारे स्टोर में आ चुकी हूँ। नहीं हो पाएगा मुर्गा, नहीं हो पाएगा। नहीं हुआ ही नहीं ना, वो थान वाला कुर्ता मैं नहीं गई थी भैया। मुर्गा नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हेलो इज दैट मिस्टर सुधांशु? यस स्पीकिंग। Mr. Sudhanshu, don't mind. I'm calling from Weather Department. Don't mind, but हमें एक बात बताइए, इंसान होने के नाते आपको ये पता है कि आप क्या कर रहे हैं? आप बोल कौन रहे हैं? देखिए ये जरूरी नहीं है मैं बोल कौन रहा हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ ये जरूरी है। नहीं, आपको बताना तो होगा। मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा। मैं वेदर डिपार्टमेंट नंबर कैसे मिला? मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। और एंड लिसन देखिए आप चिल्ला के बात नहीं करेंगे, जो बात है मैं यहाँ वेदर डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। आप एक छोटी मोटी कंपनी चलाते हैं, आपकी अपनी खुद की कंपनी है, आपके एम्प्लॉई है। तो आपके एम्प्लॉई, 2 एम्प्लॉई ऐसे हैं जिन्होंने हमें मेल लिखा कि ये आदमी जो है आपके बॉस, मतलब आपके लिए, कि आप इनको इतनी गर्मी दिल्ली में, आप खुद सोचिए इतनी गर्मी दिल्ली में हो रही है, आप क्यों नहीं एक दिन को ऑफ देते हैं जिस दिन ज़्यादा गर्मी है? तो गर्मी क्या हमारे लिए नहीं, नहीं है? देखिए मैं, मेरे लिए भी गर्मी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि गर्मी कितनी है ना। लेबर लॉ के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो कल को फिर मैं आपको एहसास ये बिल्कुल लेबर लॉ के खिलाफ नहीं, बिल्कुल देखिए नहीं। आप मुझे बताइए 43, 44, 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, 7 दिन पहले आपने छुट्टी नहीं दी उस दिन, एक एम्प्लॉय आपसे कह रहा है छुट्टी दे दो। तो छुट्टी ऐसे थोड़ी ना मिल जाती है, हम भी तो सारा काम कर रहे हैं। देखिए आपका काम करना, आप अगर वो बीमार पड़ गए गर्मी में, उनको डिहाइड्रेशन हो गया, तो मैं ये नहीं कह सकता आप भी तो काम कर रहे थे। एसी है, हम क्या पेड़ के नहीं, चलिए मैं उसको भी भूल जाता हूँ, मैं टेम्परेचर को भी भूल जाता हूँ। ह्यूमिडिटी देखिए आप दिल्ली में किस कदर ह्यूमिडिटी थी, आपने उस दिन भी छुट्टी नहीं दी, इतनी गर्मी में भी छुट्टी नहीं दे रहे आप। तो हम थोड़ी ना कह रहे हैं यहाँ ऐसे काम करो ऐसे, हमने उनको खुद हमारे पास आते हैं खुद काम करते हैं, हमने थोड़ी ना कहा सर ऐसे है, सर ऐसे आप मेरे को मत पढ़ाइए। वेदर डिपार्टमेंट का काम ये आपको इन्फॉर्म करना कि कितनी गर्मी पड़ रही है ठीक है। अब आपके समय आप काम नहीं कर रहे हो? मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं काम नहीं करूंगा, आज तो हद हो गई है गर्मी की।
ऐसा क्या हो गया? आज भी उतनी है जितनी दो दिन पहले। अरे आज नहीं है यार, आपको आप वेदर डिपार्टमेंट में हो, मैं वेदर डिपार्टमेंट में हूँ, जितनी आज गर्मी है। क्या ऐसा क्या हो गया, आपने क्या देख लिया जो आप बोल रहे हो आज इतनी गर्मी है? ज्यादा टैटे मत करिए, मैं आपको कॉल नहीं करता, आज हद हो गई। आज मैंने खुद देखा है, दो खंभे एक कुत्ते के चक्कर में लड़ रहे थे, अपनी आंखों से देखा है, दो खंभों में लड़ाई हो गई, एक कुत्ता था, दो खंभे पे आपस में। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा है और आपको एहसास दिलाना चाह रहा है कि इससे ज्यादा गर्मी नहीं हो सकती, जब दो खंभे कुत्ते के चक्कर में लड़ रहे हैं, आपने कभी जिंदगी। ये तो गर्मी की हद हो गई। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं आपके दो मिनट लेना चाहूंगा। सर जैसे कि हमारी कंपनी ने, मैं जानता हूँ सर इस वक्त आप बिजी होंगे, हमारी कंपनी ने एक ऐप निकाला है सर, ये डाउनलोड कर लीजिए तो आपका इसमें बहुत फायदा है। नहीं करना भैया, नहीं करना डाउनलोड। सर मैं आपको सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ सर, आई नो आप थोड़ा सा इसमें माइंड करेंगे सर, ये कमाल का ऐप है और हमारे कुछ ही कस्टमर है जिनके हम ये ऐप इंस्टॉल करा रहे हैं। फ्री है क्या, मतलब पे करना फ्री है? कुछ पे नहीं करना सर, एब्सोल्युटली फ्री है, इसमें सिर्फ आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी सर, कमाल का फीचर है ये, ने अभी लॉन्च किया, इसमें सिर्फ सर हम गिने चुने 50 कस्टमर्स को देंगे। पता क्या होता है, आप लोग डलवा देते हो बाद में ना, हिडन चार्जेस बहुत नहीं, होते हैं। सर आई प्रॉमिस सर, कोई हिडन चार्जेस नहीं है इसमें, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप एक साल तक भी यूज कर सकते हो सर, मोबाइल का ये ऐप है यार इसमें। अच्छा चलो ये बताओ इसमें क्या मतलब है, क्या ये ऐप किस बारे सर में? मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक कमाल का ऐप है सर, ये हम ऐप अगर डाउनलोड कर लेंगे आप, और सर मान के चलिए आपने एक दिन में एक घंटे तक फोन को हाथ भी नहीं लगाया, अच्छा, तो मोबाइल में से आवाज आएगी, मालिक जिंदा हो या चल बसे। ये कह रही है भाई सर, ये ऐप हमारे आरजे नवीद ने बनाई है सर, मैं नवीद। समझ गया सर बिल्कुल समझ गया सर, थैंक यू सो मच। अरे रेडियो मिर्ची पे नवीद के साथ हैं आप, बहुत दिन से सोच रहा हूँ यार जरा दिल्ली से बाहर हो जाएं, दुबई फोन लगाओ दुबई। हेलो सलीम, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहा है भाई? सलीम मैं जरनिगार का भाई, जिसके लिए आपने रिश्ते के लिए फोटो भेजे दुबई से। आप दुबई में अभी? अच्छा सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो हाँ बोलिए। अभी कैसे चल रहा है दुबई में? दुबई माशाल्लाह बहुत बढ़िया, सब वहाँ सब खैरियत है, सब ठीक ठाक है। जरनिगार से कल बात हो रही थी, मैंने कहा भाई हम भी बात करें सलीम से। सलीम भाई मैं सोच रहा था रिश्ता पक्का होने से पहले मैं आपसे एक बार मिल लूं, जरनिगार ने भी कहा था कि भैया आप भी मिल लो उनसे। कोई मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह मैं अक्टूबर में आऊंगा तो जरूर मिलते हैं। नहीं अक्टूबर तो बहुत दूर है, शाम में मिलते हैं ना, शाम में। कब मिलते हैं? शाम में आज रात में मिले। रात में कैसे मिलते हैं? मैं दुबई आ गया ना डेरा, अभी डेरा से बात करता हूँ मैं। डेरा बोले तो ये क्या नाम, दुबई वाला डेरा? नहीं तो नंबर कौन सा है ये? रोमिंग पे हूँ सलीम भाई, रोमिंग पे हूँ मैं। तो जरनिगार ने बोला भाई आप देख के आइए, सलीम भाई से मिल के आइए, देखिए क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। अच्छे होते ना, मैं आपको वहीं मिलता ना, एयरपोर्ट मिलता ना मैं। नहीं मैं सुबह आ गया था, मैं सुबह आ गया सलीम भाई, मैंने सोचा आपको क्या परेशान करूँगा, आपको सरप्राइज दूंगा मैं। नहीं सरप्राइज तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं, लेकिन क्या रहा अभी कैसे मिल सकता हूँ मैं? अभी मैं आ रहा हूँ ना यहाँ से, टैक्सी मैंने बोला, वो एक पठान मेरे को बोला था यहाँ से, मैं पठान से मिला था मेरा, उन्होंने बोला किधर कंस्ट्रक्शन, उन्होंने कहा यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर है। तो मैं काम कर दो सलीम भाई, मैं टैक्सी पकड़ता इधर से टैक्सी पकड़ के फिर मैं आता आपके पास उधर। आप अभी इधर हो, साइड पे हो? हाँ, मैं तो मैंने बात करा है अभी उस पठान से, वो कह रहा है मैं टैक्सी लेके जाऊंगा, 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर में 3-4 घंटे लग जाएंगे, इतना मेरा छुट्टी हो जाएगा, मैं अपने घर चले जाऊंगा। आप यहाँ के साइड पर क्या करोगे सलीम भाई? 2 किलोमीटर में 3-4 घंटे किधर लगता है? यही तो सारा मुश्किल है। अभी आप पहली बार आए ना दुबई? पहली बार आया था, मैं भी सोचता था यही। देखो इधर का एक दरम उधर कितना पड़ता है, 16-17 रुपए चल रहा है। पेट्रोल इधर सस्ता है पता है? हाँ पेट्रोल सस्ता है। क्यों सस्ता है पता है? इधर का 1 किलोमीटर उधर का 17 किलोमीटर है, इसीलिए सस्ता पेट्रोल है। अब समझे आप? तो 34-35 किलोमीटर आप 2 घंटे में पहुंचाएगा, इधर ट्रैफिक देखा कितना है। मैं कह रहा हूँ ना आप उधर रखो, मैं आएगा। अभी आप बुर्ज खलीफा देखो, ठीक है, शेख जायद रोड देखो उधर। सलीम भाई जरनिगार ने हमको बोला फिर मेरे को वापस जाने का है, तो मैं अभी आ रहा है आपके पास। मेरे को पता क्या जानता है क्या नहीं जानता, तुम्हें पता है तुम्हें अभी यहाँ खड़ा है, दुबई में खड़ा है, मैं तो मैं अभी मिलने आ रहा है ना आपके पास। अभी हम नहीं मिल सकते ना, अभी हम जा रहे हैं जुमे की नमाज पढ़ने। लेकिन सलीम भाई आज तो थर्सडे है। ये क्या दुबई है, इंडिया है, हफ्ते में 2 बार होता है। फिर हम आएगा, मिलेगा तुमसे मिले। सलीम भाई हाँ
सलीम भाई देखिए, ये दुबई का रोड मानना पड़ेगा मेरे को, टैक्सी मांगना पड़ेगा मेरे को। तो देखिए ना, बातें करते करते मेरे सामने दिख भी रहा है पर कंस्ट्रक्शन, मतलब ये 6 मिनट में पहुंचाया इसने 2 किलोमीटर। ये टैक्सी में बात के, ये बैठ के बात कर रहा है? हम आगे आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन देख रहा है हमको बोर्ड। अंदर आ जाए, अंदर ही आप। यहाँ पर कई बार है, कौन सा में? आप कौन से वाला में है? जिसमें आप गया मैं उसमें नहीं है। नहीं, आप नाम बोलो ना कंपनी का, कौन सा है? कंस्ट्रक्शन। हाँ, इसी का बोर्ड लगा हुआ है सामने। मैं अंदर आएगा, गार्ड से बोलेगा मेरे को आप गार्ड से बोलेगा आप... मैं गार्ड से बोलेगा सलीम भाई इंजीनियर इधर ही मिलेगा। आपने पीला टी शर्ट पहना है? नहीं, पीला टी शर्ट तो नहीं पहना है। नहीं तो फिर कौन सा है तू? मैं इधर, आप उसको छोड़ो ना, मैं आप इसको छोड़ो, मैं अभी गार्ड से पूछता है, सलीम भाई इंजीनियर से मिलने देगा, मैं अंदर आ रहा है। देखो, हम जो ईमानदार आदमी है, अब हम तुमसे दिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारा मर्जी है, तुम जरनिगार को बताओ ना बताओ, तो हम एक बात बताते हैं। अभी तुम गेट पर आएगा, पूछेगा सलीम इंजीनियर किधर है, सलीम भाई इंजीनियर किधर है, वो कह देगा सलीम इंजीनियर इधर कोई नहीं है। क्यों सलीम भाई, क्यों बोलेगा? क्योंकि हम इधर जनरेटर ऑपरेटर हैं। ओके, लेकिन आपने फोटो भेजा इंजीनियर, आप 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 कोट पहने हुए नहीं है, ऐसे इधर सब करता है दूसरा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इंजीनियर बन के हेलमेट पहन के फोटो खिंचाता भेज देता है, इंडिया पाकिस्तान भेजता है, सब इधर ऐसे करता है। ठीक है, मैं गार्ड से बोलता हूँ कि सलीम जनरेटर ऑपरेटर भाई से मिल रहा है, वो अंदर आने देगा, मैं अंदर आ रहा हूँ अभी। अभी मैं तुमको फोन करता हूँ जब मिलेगा। अभी फोन करेंगे कब? 2 सेकंड में करता है अभी। नहीं, मैं आपको 2 सेकंड में करूँ? आप करो, मैं करो, बराबर है, आप करो। الهاتف المتحرك الذي طلبته مغلق يرجى الاتصال لاحقا شكرا. The mobile phone you have dialed has been switched off. Please track your number. Thank you. الهاتف المتحرك. अबे झूठे 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 रिश्ते. Thank you for calling. Now place your order to www.online.com from your mobile phone as well. Terms and conditions apply. Please select any one of the following options. Press 1 to place your order or to... Welcome to. May I have your order, please? Yeah, hi. Hi, sir. May I have your order, please? 1 chicken burger. One chicken burger. Anything else? तुम क्या खाओगी? One masala grilled chicken. One masala grilled chicken. Anything else, sir? 2 large fries. Two large fries. Anything else, sir? एक egg wrap भी कर दीजिए उसमें, egg wrap. Okay, एक egg wrap. Anything else? One chocolate brownie, ये भी कर दीजिए, one chocolate brownie. Chocolate brownie. और कुछ? Cold coffee लाने में यहाँ पे कितना time लगता है? Sir, 30 to 40 minutes max. दो cold coffee भी कर दो आप. Okay, 2 cold coffee. That's it. Order किसके नाम पे भेज रहे हैं सर? अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे बेटा, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे फ्रेंच फ्राइज, अल्लाह के नाम पे चिकन बर्गर, अल्लाह के नाम पे चिकन ग्रिल, अल्लाह के नाम पे एक्स्ट्रा फ्राइज, अल्लाह के नाम पे एक्स्ट्रा फ्राइज। सर, आरजे नवेद बोल रहा हूँ ना। हाँ जी सर, बोल रहा हूँ। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? कौन बोल रहे हैं सर? माय नेम इज मोहित। मोहित, मोहित हाय, आई एम सॉरी, मैं आपने ऑर्डर दिया ही है मोहित, तो एक काम करिएगा आप। हाँ, सुन रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। ये जितना मैंने ऑर्डर दिया है, नोएडा निठारी देखा है ना आपने, वहाँ का पूरा एड्रेस मैं आपको दे दूंगा, नोएडा में निठारी है। हाँ जी, वहाँ पे रोड साइड में एक छोटे छोटे मैकेनिक्स हैं, उनमें एक मैकेनिक साहब है कबीरुद्दीन, उनके छोटे से दुकान है, उनके 3 बच्चे हैं, बहुत मासूम से हैं, छोटे से हैं। एक दिन मैं जब वहाँ पे गया था तो वो देख रहे थे आपके रेस्टोरेंट की तरफ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। तो आप ये वादा करिए कि ये वाला ऑर्डर आप वहाँ तक पहुँचा देंगे और आज इसके पैसे आप मुझसे लेंगे। सर, अगर आप माइंड ना करें तो हम ये ऑर्डर अपनी तरफ से दे दें। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाला ऑर्डर मेरी तरफ से जाए, अगला वाला आप अपनी तरफ से दीजिएगा। ठीक है, सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू यार, आप बहुत प्यारे इंसान हैं। चलिए, मैं आपसे बाद में बात करूंगा फिर। हाँ सर, लेकिन ये वहाँ पे किसके नाम से देना? अल्लाह के नाम पे, वहाँ पे भी। थैंक यू सो मच, यू टेक केयर, बाय। हेलो, हेलो। हाँ जी
सर ये वर्कशॉप से बोल रहा हूँ सर, गाड़ी आपकी जो आप देखे गए हो कल। हाँ हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ ये आपकी गाड़ी में ना असल में सर ऊपर ना हमारे वॉशिंग मशीन रखी भी होती है जिससे गाड़ी धोते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ऊपर हैंग करके रखते हैं, तो सर वो पूरी मशीन आपकी गाड़ी पे गिर गई। वो क्या चेन पागल है क्या, कौन देगा इसके पैसे मुझे फोन करके? नहीं तो मैं सर आप मेरे से क्यों कह रहे हो, आप मेरे से क्यों कह रहे हो कि कौन देगा पैसे? तू स्पीकर फोन कर रहा है क्या, गाड़ी तेरे को भेजी है तू बोल रहा है तू रिस्पॉन्सिबल नहीं है? नहीं तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अगर गाड़ी आपने दी है। बिल्कुल। और बच्चे का रिस्पॉन्सिबल कौन है, मतलब आप तो गाड़ी देके गए हो हमें और आप खुद ये मान रहे हो कि अगर गाड़ी वर्कशॉप को दी है तो वर्कशॉप रिस्पॉन्सिबल है। लोग अपना पढ़ाने के लिए बच्चा दे जाते हैं आपके स्कूल में, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर पहली बात तो गाड़ी और बच्चे में फर्क मालूम है आपको, गाड़ी पे अगर कोई चीज गिर जाती है ना तो गाड़ी को तकलीफ नहीं होती है। सॉरी बट ऐसे समझाना बड़ा जरूरी था। मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात पे कि आपका छोटा मोटा स्कूल है दिल्ली में, आप भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि अगर बच्चे को स्कूल के अंदर कोई आकर घुसकर मार देता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल स्कूल नहीं है। मालूम नहीं आपके पता नहीं खुद के बच्चे हैं या नहीं है, कहीं आप अपने बच्चे देकर आइए पढ़ने के लिए और खुदा न खास्ता उन बच्चों को हो जाए तो यही बात कहिएगा कि यार वो रिस्पॉन्सिबल थोड़ी थे, पढ़े लिखे इंसान। मैं आपको बता, मैं रेडियो बच्चे से नवेद बोल रहा हूँ और आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप बच्चों को पढ़ाते हैं, एक स्कूल आप चला रहे हैं दिल्ली में, लेकिन आप ये सोचते हैं कि अगर स्कूल में बच्चों को कुछ खुदा न खास्ता हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल स्कूल नहीं होता। आपको कैसा लगा?